अस्सलामुअलैकुम एवन टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं इरम चौधरी और मैं हूं जहांगीर यूसुफ। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कोरोना की चौथी लहर में एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात, गुज़श्ता रोज 102 अफराद दम तोड़ गए, 4,934 नए केसेस रिपोर्ट, मजबत केसेस की शरह बढ़कर 8.3% तक पहुंच गई, पिशावर में मजबत चला 11%, मालागढ़ में 21 और छतरल में 31% रही, इस्लामाबाद में केसेस की शरह 10% से ज्यादा रही। मुल्क में 4 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का संग मील अहूर, चेयरमैन एनसीओसी असदुद्दीन ने ट्वीट किया कि वैक्सीन का 4 करोड़ सिर्फ 9 रोज में पूरा हुआ, शाबाश पाकिस्तान, डोज लगवाएं ताकि पाकिस्तान से वबा का खात्मा किया जा सके। मुल्क में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को वैक्सीनेशन मराकज बंद रखने का फैसला, 14 अगस्त को वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। अफगानिस्तान में अब सियासी मुफाहमत मुश्किल दिखाई देती है, तालिबान अशरफ गनी की सदारत तक अफगान हुकूमत से बात के लिए तैयार नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर मुल्की सहाफियों से गुफ्तगु, कहा अफगान हुकूमत अमरीका को दोबारा मुदाखलत के लिए कायल कर रही है, दोबारा आने पर अमरीका ऐसा क्या कर लेगा जो 20 साल में नहीं किया, मजीद बोले अमरीका ने पाकिस्तान से रवैया बदल लिया है, लगता है अमरीका ने भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने का फैसला कर लिया है। इमरान खान माजी में जंग के खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं, हमेशा अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम की बात की है। वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी का ट्वीट, मजीद लिखा कि डिजिटल मीडिया विंग ने भारत और अफगानिस्तान के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया, डेटा से साबित हो गया कि फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे की लड़ाई के लिए सफबंदी जरूरी है। खलूसनियत से अफगान मसले का सियासी हल चाहते हैं, कयास राइयों और कुर्बानी का बकरा बनाने की रवश को तर्क करना होगा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना कि देरपा अफगान अमन के लिए तमाम शराकतदारों को जिम्मेदारी अदा करनी होगी और अमन दुश्मनों के मजमूम अजाइम को नाकाम बनाना होगा। आर्मी चीफ के जेरे सदारत दो रोजा अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अफगान और खत्ते की सूरत हाल का बगौर जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान तरबेला पहुंच गए, तरबेला डैम के 5वें तौसी मंसूबे का संग बुनियाद रखा, $807 मिलियन की लागत का मंसूबा 2024 में मुकम्मल होगा, बिजली पैदा करने की सलाहियत 1530 मेगावाट इजाफे से 6418 मेगावाट हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास बुला लिया, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कैनेडियन एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने PIA पर आए पाबंदियां खत्म कर दी, एयर ट्रांसपोर्ट कनाडा ने चेयरमैन PIA को खत लिखकर आगाह किया, खत में कहा गया है कि PIA ने फ्लाइट सेफ्टी कारकर्दगी को बढ़ाया और ऑडिट एतराज दूर कर दिए, उम्मीद है PIA का सफर तमाम तर सेफ्टी इकदाम के साथ जारी रहेगा। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासा जात रेफरेंस की समाअत, एहतसाब अदालत ने रेफरेंस दायर होने तक ख्वाजा आसिफ की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली, रेफरेंस जल्द दायर करने की हिदायत, ख्वाजा आसिफ का नवाज शरीफ और लीगी बयानी से मुतालिक मीडिया सवालात का जवाब देने से गुरेज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आपको बताएं कि जहलम में यौम आज़ादी के हवाले से इंतजाम का जायजा लेने के लिए एडिशनल डेप्टी कमिश्नर उमर इफ्तार शहराजी की जेर सदारत इजलास मुनक़द हुआ, इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर जहलम समेत दीगर महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की, इजलास में इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर जेर गौर लाए गए। मजीद अहवाल जानते हैं जहलम में नुमाइंदा एवन टीवी उस्मान कयानी से, जी उस्मान तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त जश्न यौम आज़ादी मनाने के सिलसिले में इंतजाम का जायजा लेने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उमर इफ्तार शिराजी की जेर सदारत अजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर जेलम डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस CO एजुकेशन DDHO हेल्थ समेत दीगर मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र यौम आज़ादी बहुत सादगी के साथ मनाई जाएगी, यौम आज़ादी पर 9 बजे परचम कुशाई की तकरीब अहाता DC ऑफिस में की जाएगी, पुलिस और सिविल डिफेंस का चाको चौबंद दस्ता भी कौमी परचम को सलामी देगा, जिला के एंट्री पॉइंट्स पर बैनर भी आवेदन किए जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल टनियाला में बच्चों का तकरीरी मुकाबला भी होगा, इसके अलावा महकमा जंगलात के तहत शजरकारी भी की जाएगी। यौम आज़ादी पर डिप्टी कमिश्नर राव परवेज अख्तर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डिस्ट्रिक्ट जेल दारुल अमान समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेंगे। जी
उस्मान ज्ञानी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाक पतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात उरूज पर हैं। मुल्क के तुलोर से आए ज़ायरीन दरबार पर हाजिरी देकर रफ़े और बरकात समेट रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एवन टीवी के नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद अनवार। हाफिज मोहम्मद अनवार, बताइएगा लोगों की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच रही है। उठ फरीदा सुत्या, तू झाड़ू दे मसीह, तू सुत्ता रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीद। बर सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग शेख बहरोबर जोहदुल अंबिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 779वें सालाना उसकी 15 रोज़ा जो तकरीबात हैं वो अपने उरूज पर जारी और सारी हैं। आज के दिन की जो रसूमात हैं, सज्जादा नशीन दरबार आलिया दीवान मौजूद मसूद चिश्ती फारूकी ने सैकड़ों सजादगान दीवान फैमिली और कुछ मखसूस जो ज़ायरीन हैं उनके हमरा अदा किए। सबसे पहले ख़त्म खाजगान पढ़ा गया, उसके बाद जो है सिलसिला चिश्त की कवालियाँ सुनी गई, उसके बाद जो है सिलसिला चिश्ते के जो रवायती तबर्रुकात हैं जिनमें शकर मखाने जले हैं वो भी ज़ायरीन में तकसीम किए गए। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि डीपीओ फैसल मुख्तार की जानब से सिक्योरिटी को भी यहाँ पर जो है फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनको मुकम्मल जामे तलाशी के बाद जो है वो आता दरबार में दाखिल होने दिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद अनवार हमें अपडेट कर रहे थे। अटक से खबर है जहां जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं, जगह जगह सब सिलाली परचमों की बहार है। जश्न आज़ादी के मौके पर वन व्हीलिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। मजीद बता रहे हैं अटक से नुमाइंदा एवन टीवी नदीम मलिक। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अटक में जहाँ पर जश्न आज़ादी की तैयारियाँ जो हैं वो अरूज पे हैं। बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी वतन की मोहब्बत से शरशार, और यहाँ पर देखा जा सकता है कि हर तरफ सब हिलाली परचमों की जो बहार है वो दिखाई देती है। मेरे साथ एक और बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जश्न आज़ादी की जो तैयारियाँ हैं वो ये कैसे मना रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम को इस जश्न आज़ादी पे क्या मैसेज देंगे। मेरे भाई, पाकिस्तान जो बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह के नाम पर बना है, इसमें जो कुर्बानी दी हैं पाकिस्तान बनते वक्त वो कभी रायगाह नहीं जाएंगी। और हमारी आवाम 14 अगस्त शान और शौकत से मनाती है। जिंदा कौमें अपने वतन का जो आज़ादी का दिन होता है वो जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही हैं, और हर जगह सब्ज हिलाली परचमों की बहार है, और वतन से मोहब्बत से शरशार अवाम यही मैसेज देना चाहती है कि हम जिंदा कौम हैं और अपने वतन का जश्न आज़ादी जो है जोश और जज्बे से मनाएंगे। जी नदीम मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि रेडियो पाकिस्तान की पॉडकास्ट सर्विस का आगाज कर दिया गया। रेडियो पाकिस्तान ने डिजिटल नशरियात की जानिब अपना कदम रख लिया। रेडियो पाकिस्तान की पॉडकास्ट सर्विस में आला शख्सियात के इंटरव्यूज, रोजाना खबरों के जायजे, हालात हाजरा के प्रोग्राम, दस्तावेजी प्रोग्राम, मौसीकी खेल और इंटरनेट के जरिए मुतादिद मालूमाती तालीमी और तफरीही प्रोग्राम्स शामिल हैं। पॉडकास्ट सर्विस को आवाम किसी भी वक्त इंटरनेट के जरिए podcast.radio.gov.pk से ऑडियो वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल्स जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट evantv.pk। इसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एवन टीवी। एवन टीवी सब पे नजर, अंदर की खबर।